मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जब दीपिका के पिता को ये अवार्ड दिया जा रहा था उस वक्त दीपिका पादुकोण भी फंक्शन में मौजूद थी। दीपिका के साथ उनकी बहन अनीशा और माँ उज्जाला पादुकोण भी कार्यक्रम में उपस्थित थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान उस वक्त भावुक हो गईं जब उनके पिता प्रकाश पादुकोण को इस फंक्शन में सम्मान दिया गया। इस खास मौके पर दीपिका की आंखें नम नजर आईं। इस पल में दीपिका की आंखों में पिता के लिए गर्व और खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे। दीपिका अपने परिवार के काफी करीब हैं। हाल ही में उनकी फिल्म पद्मावत को देखने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा था कि दीपिका को इस फिल्म में देखकर गर्व महसूस हो रहा है। इस कार्यक्रम में दीपिका ट्रेडिशनल अवतार में दिखाई दी। उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रकाश पादुकोण ने कहा कि मैंने कभी भी पैसे के लिए नहीं खेला, ना ही किसी अवार्ड के लिए। मैंने अपनी खुशी के लिए बैडमिंटन खेला है, इससे मुझे संतुष्टि मिलती है, चैलेंज मिलता है। आपको बता दें कि इन दिनों दीपिका के लिए खुशियों का डबल मौका है। उनकी फिल्म पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में दीपिका के साथ रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका रानी पद्मावती का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में शाहिद राजा रतन सिंह और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में दीपिका अपनी बहन अनीशा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।